हेलो गाइस, हम लेकर आए हैं आपके लिए नेट की कुर्ती बनाना। और आप देख सकते हो अपने यूट्यूब चैनल पर मीरा देवी आपके लिए लेकर के आई है नेट की कुर्ती बनाने के लिए। कटिंग कैसे की जाती है, कुछ हमारा कपड़ा इस तरह से है। नेट को हम पहले एक साइड रख देंगे, पहले हम इसके लिए ये अस्तर जो लगाते हैं वो कटिंग करेंगे। कुछ इस तरह से है हमारा कपड़ा। इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया, यहाँ इस तरह से। इसकी जो लंबाई है तो हमारी लंबाई जो है 44 इंच, 44 इंच इसकी लंबाई है और 44। इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे। तीरा है वो 6 इंच है और मुड्ढे जो है ये 6.5 इंच है। चेस्ट जो हमारे हैं 18 इंच है, लेकिन हम उसका रखेंगे आधा। हमने क्योंकि फोल्ड कर रखा रहे हैं कपड़ा तो कुछ इस तरह से कमर का जो ढाल दिया जाता है वो यहाँ से यहाँ तक 7 इंच की दूरी पर दिया जाता है। कमर है हमारी 14 तो हम रखेंगे 15। चौदह इंच है ना हमारी कमर, तो हमने रखा इसको 7 इंच। और यहाँ से जो भी खोलेंगे हम यहाँ से यहाँ रखेंगे 15 इंच का। जो हमारे यहाँ चेस्ट पर थे वही रहेगा यहाँ 9 इंच। अब हम इसको स्केल के द्वारा मिला देंगे। यहाँ से लेंगे हम 1.5 इंच, 1.5 इंच इसको इस तरह से ढाल दे दिया जाएगा। कुछ इस तरह से ठीक वाले निशान है, कुछ इस तरह से कटिंग हो जाएगा।
कुछ इस तरह से कटिंग हो गया। अब हम इसको यहाँ से कटिंग कर लेंगे। कुछ इस तरह से और इसको हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। कुछ इस तरह से कटिंग हो गया। इस तरह से ही हमारे नेट कटिंग होगी। ये हमारा नेट है और नेट की तह भी हमने इसी तरह बना ली जैसा कि हम कुर्ती की बनाते हैं। तो हम इसको इस तरह से रखेंगे। 40 इंच का ये है हमारा और इसको इसके ऊपर रख देंगे हम। कुछ इस तरह से तो थोड़ा हम नीचे को खींच लेंगे। इसको हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। कुछ इस तरह से अब हमें इसको यहाँ से ही इस तरह से नेट कटिंग करेंगे। कुछ इस तरह से कटिंग करेंगे हम इसको जहाँ से कटिंग। कुछ हमने इस तरह से कटिंग कर दिया। अब इसको अलग, ये हमारा
ये अलग हो चुका है, ये अलग हो चुका है। अब हम इसको, ये हम लगाएंगे नहीं और इसको लगाएंगे हम हमारी दूसरी वीडियो में देख सकते हो, क्योंकि ये तो हमारी कटिंग की वीडियो है और सिलाई की वीडियो हमारी दूसरी रहेगी। अब हम आस्तीन कटिंग करेंगे, आस्तीन जो लगाएंगे हम नेट नेट की लगाएंगे, अस्तर वाली नेट आस्तीन अस्तर नहीं लगाएंगे, उसमें नेट ही नेट लगाएंगे। हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया कपड़ा आस्तीन के लिए और हम इंच टेप से नापेंगे आस्तीन की लंबाई जो रखेंगे हम 22 इंच रखेंगे, क्योंकि हमें कलाई तक चाहिए आस्तीन। लंबाई है इसकी 22 इंच। कुछ इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम गोलाई जो होती है हमारी यहाँ से कुछ 10 रहनी चाहिए। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। मोरी जो रहेगी हमारी 5 इंच रहेगी, एक्स्ट्रा हम 1 इंच रखेंगे। कुछ इस तरह से कटेगी हमारी आस्तीन। कुछ इस तरह से अब हमारी आस्तीन हो चुकी। अभी हमारी कुर्ती कटिंग हो चुकी, लेकिन दूसरी वीडियो में हमारी देखना ना भूले, सिलाई की कटिंग सिलाई की वीडियो बनेगी वो हमारी। ये हम आपको रख के दिखा रहे हैं किस तरह से हमारी ये ज्वाइंट होगी। हम इस पर पट्टी भी लगाएंगे, अभी कुछ इस तरह से लगेगी, इसमें हमारा गला बन जाएगा कुछ इस तरह से। इस तरह से हमारी सिली जाएगी। अब हम 4 इंच की एक पट्टी लेंगे इसके लिए। इसमें से हम 4 इंच की पट्टी लेंगे। यहाँ से हम 4 इंच की पट्टी लेंगे। इस तरह से और इसको रख करके हम
बिल्कुल ऐसा ही ढाल देंगे जैसा इसमें है। कुछ इस तरह से यहां से कटिंग करेंगे। इस तरह से अब हम इसको इसी पे ही रख करके सिल देंगे। ये वीडियो हमारे सिलने वाली दूसरी रहेगी।